ये है Vivo का नया V25 Pro और Vivo की वाली सीरीज कैमरे के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये स्पेशल सीरीज है कैमरा और डिजाइन के लिए। भाई डब्बे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, इस पर सिल्वर कलर का डब्बा यहाँ पे, ओह सिल्वर। Vivo ऐसे अपने स्मार्टफोन्स के अंदर अलग अलग फीचर लेके आता रहता है, जैसे कभी डुअल फ्रंट फ्लैश, कभी गिम्बल, कभी DSLR वाले फीचर, बट इस वाले फोन के अंदर एक काफी मस्त फीचर इसकी बैक के अंदर दिखाता हूं तेजी। ओहो ये हमारा स्मार्टफोन अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, सिमिलर सा देखा सा, बट एट द सेम टाइम काफी नया सा लग रहा है। ये हमारे स्टिकर, ये कवर काफी स्टैंडर्ड सा है और ये कुछ पुस्तकें भाई अच्छी खासी मोटी है भाई, मतलब स्टडी मटेरियल के अंदर भाई कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं सोते टाइम भी स्टडीज करता हूँ। इसमें एक 66 वाट का फास्ट चार्जर भी मिलता है और उसके साथ ओहो ये हमारी सुई है। कभी होता है कुछ लोगों को गैस हो जाती है तो मैं इसे मारता हूँ, गैस फिक्स। एक USB टाइप सी केबल है। ये है हमारा Vivo का नया V25 Pro, काफी इंटरेस्टिंग चमक है यार। फोन को हाथ में अगर पकड़ो तो काफी अच्छा सा प्यारा सा फील होता है। बैक साइड पूरा ग्लास है, ये एक्चुअली हाथ में पकड़ने काफी ज्यादा लाइट वेट लग रहा है। जिम में भी भाई अब 50 किलो हल्का ही लगता है मेरे को। फ्रंट की साइड अगर आप देखोगे तो काफी एक फ्लैगशिप सा कर्व डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, मतलब फ्लैगशिप इसलिए हो रहा क्योंकि भाई महंगे फोन में ही आता है कर्व डिस्प्ले, इस प्राइस पॉइंट के फोन्स में नहीं मिलता। इस वाले स्मार्टफोन के अंदर एक 3D कर्व्ड ग्लास है। कुछ लोगों को कर्व्स अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को फ्लैट, मेरे को दोनों चल जाते हैं। मैं फ्लैट डिस्प्ले भी यूज कर लेता हूं, कर्व्ड वाला डिस्प्ले भी। इसकी जो बैक साइड है वैसे है तो एक मैट फिनिश में, बट वाली बैक में काफी स्पेशल फीचर है, दिखने में काफी नॉर्मल सी लगती है बट हां भाई काफी अलग सी है। फ्रंट में अगर आप नोटिस करोगे ऊपर की तरफ एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। बैक साइड में अगर देखोगे काफी एक स्क्वायर शेप में कैमरे का बंप है। इस वाले को ऐसा लग रहा है थोड़ा सा पिच से बाहर कर दिया है, ये प्लेइंग 11 में नहीं लिया इसको, जैसे साइडलाइन बाउंड्री पे बैठा बेचारा, बट कोई दिक्कत नहीं। प्राइमरी 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और ऑफ कोर्स LED फ्लैश डबल। एक फ्लैश से कुछ होता ही नहीं यार। ये देखो ये जो आपको दिख रही है ना चमक, इस चमक के अंदर एक राज है, वो राज हम आपको बताएंगे। इस वाले बैक पैनल के ऊपर अगर यूवी लाइट पड़ती है तो रंग बदल देता है। आप बोलो यूवी लाइट कैसे, यूवी लाइट इनविजिबल पेन आता था ना उसकी जो ब्लू कलर की लाइट होती है, वो भाई मारनी है इसको। मानस भाई तुमने तो नहीं पार कर ली भाई, यूवी क्या होता है पता ही नहीं मुझे, मैं लेके आता हूँ, मैं रुको जुगाड़ करता हूँ। तब तक डिस्प्ले चेक करते हैं। इसमें एक 6.56 इंच का, ऑल्दो भाई काफी बड़ा डिस्प्ले बट हाथ में पकड़ने में बिल्कुल भी बड़ा नहीं लग रहा है क्योंकि बेजल्स बहुत ही ज्यादा कम है। इसमें भी अगर आप बेजल्स देखो साइड वाइड वाली जहाँ पे कर्व्ड हो रहा है डिस्प्ले वहाँ पे तो दिखी नहीं पूरी, बट भाई मजा आ रहा है यार। इसमें एक 120 हर्ट्ज की AMOLED स्क्रीन है, HDR10+ बेस में कलर्स और कॉन्ट्रास्ट काफी बढ़िया से आते हैं। तो भाई जैसे कि देख सकते हो हमने चला दिया स्पाइडरमैन की वीडियो, इसमें जो स्क्रीन है पूरी H2H है और इसमें जो ग्राफिक्स हैं, जो कलर्स है, कॉन्ट्रास्ट है, काफी अच्छे से दिख रहा है। ये सारी चीजें बढ़िया, बट एक दो चीजें डिस्प्ले के साथ काफी अच्छी हैं, वो है इसकी ब्राइटनेस। इसमें 1300 निट्स की ब्राइटनेस है जो एक्चुअली काफी तगड़ी है। धूप में समझ लो मास्टर का कॉल आ रहा है, अब उठाओगे तो मम्मी कर रही है एक्चुअली पकड़ेगा, मतलब स्पीकर ही कर रही है, चेक कर लेते हैं यार। इसमें खाली नीचे की साइड पे स्पीकर है, सिंगल स्पीकर है, क्लैरिटी काफी अच्छी है, अच्छा खासा लाउड है। पार्टी वार्टी में आप बजा सकते हो अगर आप अकेले पार्टी कर रहे हो। यह है भी ब्लू कलर का, इस पे अगर लाइट मारूंगा भाई ये देखो कलर चेंज हो गया, गिरगिट की तरह रंग बदले, डिजाइनर फोन बना दिया भाई मैंने। ये देखो भाई अब आया ना लुक, ये देखो ऊपर से काला नीचे से गोरा। हमने ना रुके नहीं भाई, अभी हम ये ले आए, ये मैं छन्नी ले आऊं, मैं एक्चुअली डिजाइनर ही था, छन्नी में मैं जो बनाऊंगा ना वो ही बेस्ट आएगा भाई। ये देखो भाई ने बना दिया जो मर्जी भाई, वाओ। ये एक्चुअली परमानेंट है, मतलब काफी देर तक रहता है और आपको कहीं शो ऑफ ऑफ करना हो तो आप टॉर्च ले घूम सकते हो, ऐसे कहीं पे भी ऐसे करो ठप्पा लगा, ओ भाई वाओ। मैं हूँ नंदू, सबका हूँ मैं बंधु, राहुल भाई ने ये जोक लिखा था। इसमें बैक साइड में एक फ्लोराइड AG ग्लास है, उसमें ये होता है कि भाई ये जो यूवी लाइट है इसके साथ रिएक्ट होके अलग बन जाता है। यार आप भी बोलो यार श्लोक भाई क्या आर्टिस्ट हो तुम। थैंक्स यार, मेरे को पता था आपको पसंद आएगी मेरी आर्ट। टीम के आज भी लेके जाते हैं, देखते हैं भाई ये क्या बनाएंगे। भाई मैंने तो तैयार रखा है, मैं जीत जाऊंगा इस स्टाइल मेकिंग कॉम्पिटिशन में। मैं V4 विक्ट्री। जालिया क्या बनाई है? अच्छा है भाई, हमें शेर बहुत पसंद है इसलिए हमने शेर बनाया। इसमें 66 वॉट की चार्जिंग है पर उसके साथ साथ आपको 4800 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो मतलब मस्त है भाई। और बैटरी में चार्जिंग में दोनों में Vivo V23 से काफी बड़ा अपग्रेड है। हाँ भाई वैसे सही रहता है यार, स्लिम ट्रिम भाई अपना चाहिए रहता फोन, कहीं ना कहीं तो भाई कटौती करनी पड़ती है, इसमें नहीं करी। Vivo के भाई काफी कैमरा सेंटर में कैमरा टेस्ट करने के लिए मेरे को काफी एक्साइटमेंट है, बट इसमें जो OSB है ये फन टच OS जैसे Vivo का आता है यूजुअली वही है। ऊपरी साइड पे कैमरे का कटआउट भी काफी इंटरेस्टिंग है और इसमें अगर मैं सेटिंग्स खोलूंगा तो एंड्रॉइड 12 पे डबल टैप करूं अपने 12 बजा देते हैं 12 भाई। और भी काफी सारे फीचर्स ऐड कर रखे हैं सॉफ्टवेयर में, जैसे जिसमें डिस्प्ले में आई प्रोटेक्शन है, स्क्रीन का मोड चेंज कर सकते हो, विविड करना है, स्टैंडर्ड करना है और डायनेमिक इफेक्ट्स भी आ जाते हैं। पर भाई सबसे इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस जब तक ना हो तब तक कैसे जीवन चल पाएगा भाई। इस बार स्मार्टफोन के अंदर डायमेंसिटी 1300 प्रोसेसर है और ये ऑलमोस्ट एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है जो स्नैपड्रैगन 870 के अराउंड परफॉर्म करता है। ये वाला जो हमारे पास है 12 GB वाला वेरियंट है, 8 GB वाला जल्दी आ जाएगा, 256 GB स्टोरेज है, 8 GB का रैम और उसके प्लस 8 GB आप एक्सपैंड भी कर सकते हो, काफी ज्यादा कूल चीज।
चीज है इसमें, ऐसे ही देख रहा है आपको एक्सपैंड करके भाई टोटल रैम 20 GB हो सकती है। इस प्राइस पॉइंट पे ये सारी चीजें नहीं मिलती, बट भाई परफॉर्मेंस टेस्ट करना वेरी वेरी जरूरी। Apex Legends हमने भाई इसमें एक्सट्रीम प्लस HD पे वेरी हाई के कॉम्बो में खेली हुई है। ओरिजिनल अवेलेबल नहीं है बट एक्सट्रीम HD पे हमने चला लिया गेम। जैसे कि देख सकते हो भाई मक्खन चल रही है इधर उधर, ओहो लेफ्ट राइट ऊपर मारेंगे भाई, लपेट तक कहां गया, ओ छुप गया। जैसे कि देख सकते हो भाई फ्रेम ड्रॉप्स कहीं पे भी नहीं है, कभी जिटर या लैग नहीं है। इसको रुको रुको इसको पीटे, एक को निपटा दिया भाई इसको भी, ये तो पहले ही भाई देख के मर गया। बट एक्चुअल भाई गेम प्ले बिल्कुल मजाक की बात नहीं, सही चल रहा है। वैसे है ये काफी हद तक एक कैमरा सेंट्रिक फोन, बट डायमेंसिटी 1300 मैक्स डेफिनेटली भाई तगड़ी परफॉर्मेंस देता है। और इसमें गेम मोड भी है जिसमें आप भाई गेम फ्रेम्स को बूस्ट कर सकते हो। कैमरे की टेस्टिंग करना भाई बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस। प्राइमरी 64 MP है प्लस 8 MP नीचे, फिर 2 MP का अपना मैक्रो। हम बाहर चल के फोटो खींचेंगे तब मजा आएगा। ये देख सकते हो भाई मौसम बढ़िया है, बादल है, अपना आसमान दिख रहा है नीला नीला। और इसमें एक्चुअली आई फोकस है, मतलब आंखों पे ऑटोमेटिकली फोकस कर लेते हैं। इसमें एनिमेशन देखो, 4-5 तरीके के एनिमेशन आ जाते हैं, अपने चेंज वेंज करो अपना खेलो। और ये जैसे कि देख सकते हो राहुल अखियों से गोली मारे खेल रहा है। काफी सारे मोड्स हैं 64 MP में, एक फोटो खींच के देख लेते हैं। ओ भाई जैसे कि देख सकते हो भाई ये वाली हमने फोटो खींची, ओ हो भाई राहुल भाई ने अपनी सुपर नाइट सेल्फी खींची, वाओ। अंधेरे में एक चेहरे के पास पास पूरा उजाला हो गया, ऐसा लग रहा है सारी पूरी टॉर्च मार दी है। पोर्ट्रेट में हमने मल्टीपल सेल्फीज खींची थी, देख सकते हो जो बाल वाल हैं अपने मस्त करारे करारे आ रहे हैं। और एज डिटेक्शन काफी अच्छा कर रखा है। सेल्फी से हमने रात में भी वीडियो बनाई और जैसे कि देख सकते हो भाई काफी अच्छा कर रखा है। एक दो और खींचते हैं, देखते हैं कैसे आ रही है। एक फोटो हम खींचते हैं वाइड में, एक हम 1x में भी खींच लेंगे। 2x है नहीं, टेलीफोटो है नहीं, बट भाई देख सकते हो करारी आई है फोटो यार। जो कलर्स भी हैं बैकग्राउंड में काफी बैलेंस से लग रहे हैं। इस वाली फोटो के अंदर भी जो डिटेल्स हैं, जो कलर्स हैं, सारी चीजें काफी बैलेंस ही काफी अच्छी सी लग रही है। और ओवरऑल वाइड में भी फोटो है उसमें भी काफी एक बैलेंस सा लुक देखने के लिए मिलता है। सेल्फी लेके देखते हैं भाई, तभी तो मजा आएगा। ये देखो आंखों से क्या निशाना देख रहे हो भाई, जैसे कि देख सकते हो भाई दाढ़ी वाड़ी काफी करारी सी आई है। पोर्ट्रेट मोड में ही मानस को भी मेरे को भी दोनों को काफी अच्छे से ट्रैक करा। और ये देखो मैंने काफी पास से खींची भाई, ओवरऑल फोटोज भाई बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। जितनी भी फोटोज आप देख रहे हो सारी स्मार्टफोन से खींची हुई है, काफी बढ़िया बढ़िया क्वालिटी आई है। और मोड वोड की भी कोई कमी नहीं छोड़ी है भाई। इसमें एक लॉन्ग एक्सपोजर मोड है, उसमें लंबी लंबी फोटो खींच लो। डुअल व्यू वाला है, उसमें डुअल व्यू में भाई अपना बनाना है, आगे पीछे दोनों बैट बॉल क्रिकेट विकेट खेलना है भाई जो मर्जी है। भाई ये वाला एक व्लॉग मोड भी ऐड कर दिया इस बार, भाई कुछ भी कर सकते हो आपको जो मन करे ये लो। हेलो दोस्तों व्हाट इज अप, वो ऐसे करके पूरी वीडियो बन जाती है भाई। हमने बनाया था देखो नेचर टूर बनाया था हमने, ये व्लॉग मोड भाई ऑटोमेटिक ट्रांजिशन सब भाई भाई देख रहे हो, लुकिंग फॉर सम लिटिल ब्यूटी इन द प्लेन भाई। इसमें हम खींचेंगे नाइट मोड में, बहुत तगड़ी लग रही यार इसमें, मतलब लग नहीं रहा मैं अंधेरे में, अंदर का सब कुछ दिख रहा। तो हमने जितनी भी फोटोज खींची, जितनी भी वीडियोस बनाई, सब काफी ज्यादा तगड़ी फील हो रही थी और हमको काफी ज्यादा मजा भी आया भाई खींच के। वीवो ने कैमरे में, सेल्फी में, ये जो भाई बैक साइड में कलर चेंज हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है, काफी इंटरेस्टिंग इनोवेशंस करता रहता है वीवो। और उसके दो वेरिएंट आते हैं, एक सेलिंग ब्लू आता है, एक ब्लैक आता है। कलर चेंजिंग वाला खाली ब्लू वाले में अवेलेबल है। एकदम सीरियसली बताऊं भाई, जिनको भी एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन लेना है जो फोटोज वोटोज काफी प्यारी सी खींच पाए और हाथ में पकड़ने में काफी कूल सा हो, थोड़ा सा शो ऑफ मार लो अपने से कलर चेंज करके, थोड़ी गेम में भी खेल लो आप मजे से, तो ये वाला फोन डेफिनेटली एक काफी तगड़ा ऑप्शन होगा। हमको काफी है भाई इसको यूज करें। अगर आपको इस सारे स्मार्टफोन को खरीदना है तो फ्लिपकार्ट पे आप जाके खरीद सकते हो, या फिर वीवो के ई स्टोर पे, या फिर ऑफलाइन भी आप खरीद सकते हो। अगर आप इसको प्री बुक करते हो तो 10% कैशबैक मिलता है और उसके साथ साथ 6 महीने का वी शील्ड मोबाइल डैमेज प्रोटेक्शन। बट ओवरऑल भाई हमको काफी मजा है, होपफुली आपको भी आओ देख के। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाइज। हमने शेर बनाया, अब ऐसा कौन सा शेर, ऐसे ले ले।